कापन गांव की महिलाओं ने किया चक्का जाम। कापन मुख्य मार्ग रहा बाधित। कापन गांव में शराब दुकान के विरोध में पिछले 2 माह से महिलाएं कर रही हैं आंदोलन। अब तक प्रशासन ने नहीं किया है अपना रुख स्पष्ट। नाराज महिलाओं ने दी थी आज नेशनल हाईवे 49 बंद करने की चेतावनी। बड़ी मुश्किल से समझाइश देकर महिलाओं से मांगा गया निर्णय के लिए मोहलत। कीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक के कापन गांव में शराब दुकान का 2 महीने से विरोध कर रही महिलाओं ने आज चक्का जाम कर दिया, जिससे लगभग 2 घंटे जांजगीर कापन मार्ग बाधित रहा। ये महिलाएं नेशनल हाईवे 49 को बाधित करने गाँव से निकली थी, जिन्हें पुलिस और प्रशासनिक टीम ने बीच रास्ते में रोक लिया, जिसके बाद महिलाएं मौके पर ही अड़ गईं। इस बीच समझाइश के लिए जांजगीर एसडीएम मेनका प्रधान मौके पर पहुंची और कलेक्टर यशवंत कुमार से चर्चा कर महिलाओं को शीघ्र दुकान के स्थान परिवर्तन का आश्वासन दिया। माधुरी मनसागर हाँ, मैंने मेरा ना 2 महीना हो गया दारू भट्टी बंद करे बा, वो बंद नहीं कर रहे थे वजह से आज हम चक्का जाम करे आए हैं। तो हम अल्लाह लिखित में 1 हफ्ता के बाद देव उनके के मन कहा थे 1 हफ्ता में अगर नहीं दी हम फिर चक्का जाम कर वो। शासन प्रशासन से हम लोग कुछ इज्जत नहीं मिला थे 1 हफ्ता के बाद मन लिखित देवोन कहा थे तो लिखित नहीं दी हम फिर चक्का जाम कर लू तभी अब 1 हफ्ता के बाद लिखित मांगे है अब बंद हो जाये तुम नहीं खोलन कहा थे। अभी मेरा नाम संध्या कुर्रे, मेरा नाम संध्या कुर्रे है। यहाँ लोग समिति के सभी सदस्य कापन खपरी डी के 3 महीने से बैठ रहे हैं धरना में भट्टी के बंदी के लिए, नशाबंदी के लिए, शराबबंदी के लिए, लेकिन यहाँ कोई किसी का कोई नहीं सुन रहा है। 1 हफ्ता अभी हम लोग यही ये काना में प्रसादन नाला में हैं और धरना दे रहे हैं और 1 हफ्ते का टाइम मांगे हैं सर लोग। 1 हफ्ते के बाद अगर शराबबंदी नहीं होता है तो फिर हम लोग धरना देंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे। वहीं आबकारी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। दरअसल शासन के गाइडलाइन के तहत 4 मई से प्रदेश भर में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, मगर कापन गांव की महिलाओं ने गांव का माहौल खराब होने का हवाला देते हुए अब तक शराब की दुकान खुलने नहीं दी है। गौरतलब हो कि कापन गांव की महिलाओं ने इस वित्तीय वर्ष में एक भी दिन गांव में शराब दुकान को खुलने नहीं दिया है, जिससे प्रतिदिन 1.5 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान शासन को हो रहा है। पिछले 2 माह से इन महिलाओं का आंदोलन अनवरत जारी है। सर अभी बताएं कि क्या स्थिति थी, आप करने आए थे, क्या समझाई देता है विगत देशी मदरा दुकान कापन को बंद करने की मांग महिलाओं द्वारा की जा रही है काफी लंबे समय से। तो इसमें उनको ये बताया गया है कि शराब दुकान बंद करने का विषय शासन की नीति से संबंधित और शासन इस संबंध में जो भी निर्णय लेगा वो मान्य होगा। अभी ये बताया गया कि दुकान का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो इसमें उच्च अधिकारियों से बात की गई है और उस दुकान के स्थानांतरण के संबंध में जो भी अग्रिम कार्रवाई है की जाएगी। उनकी मांग थी कि दुकान को स्थानांतरित किया जाए, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग आबकारी विभाग वाले कार्य कर रहे हैं, वो लोग मान गए हैं और वापस चले गए। उनकी मांग थी कि दुकान को स्थानांतरित करें, तो उसमें ये एक्साइज डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग कार्रवाई।